तो दर्शक, आप इस वक्त देख रहे हैं कि घोड़े के ओनर हमारे पास मौजूद हैं। चलिए इस घोड़े के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी ले रहे हैं। कितना उम्र का है, कितना इसका स्पीड है और कहाँ कहाँ की रेस में यह अपना भाग लिया था और कौन कौन सी रेस में यह विजेता बना था। चलिए, आप सभी का हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है हमारे मित्रों। और मैं चाहूँगा कि आप अपने घोड़े के बारे में ज़रा जानकारी हमारे दर्शक को पूरा बताइए। अपना नाम और एड्रेस पता बता दीजिए। पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप यहाँ आए, वीडियो हम लोगों का बनाए। जी जी, हमारा नाम हरिकेश यादव जी, जिला गोरखपुर जी, गांव गुनगुन कोठा जी, गांव गुनगुन कोठा बोला जाता है, जिला गोरखपुर है, जिला गोरखपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दर्शक को इतना जानकारी बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि हरिकेश भाई अपने इस घोड़े बाजी की दुनिया का जरा हमें स्टार्टिंग हमारे दर्शक को बताइए, कैसे कैसे घोड़ा रखना शुरू किया और इस फील्ड में जाना भी शुरू किए। घोड़ा तो हमारे पुरखों से मतलब आता रहा है, हमारे यहाँ घोड़े रहते हैं जी। हम छोटे से तभी से मतलब घोड़े का हमको शौक है जी, और घोड़ा पे बैठते बैठते फिर बीच में ये रेस दो एक जगह गए देखने, तो फिर रेस का हमको शौक लग गया जी। तब से घोड़ा, अच्छे अच्छे घोड़ा मतलब पालते हैं, बढ़िया घोड़ा जी। ये मेरा बच्चा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, और दो तीन चार रेस लड़ा है, जितना रेस में गया सभी रेस में फर्स्ट सेकंड जीत के आया जी। आप इस शरीर से बड़ी ही फिट फाट दिख रहे हैं, जैसे घोड़ा रखते हैं वैसे आप भी कुछ किए हैं क्या, ये कुश्ती दंगल उंगल लड़ना शुरू? मैं पहलवानी किया हूँ जी, और मैं उत्तर प्रदेश में पहला स्थान माना हूँ, जिला स्तर पे भी कुश्ती लड़ा हूँ जी। यानी कुश्ती के भी क्षेत्र में आप बहुत आगे रहे हैं? हाँ, कुश्ती भी बहुत अच्छा लड़ते थे। इस वक्त आपकी कुश्ती चल रही है? नहीं, इस समय कुश्ती दंगल बंद है, दंगल बंद, लड़ना भिड़ना बंद है। आप घोड़े में ही अपना मन लगाए? घोड़े में। इस घोड़े के बारे में जरा डिटेल से जानकारी हमारे दर्शक को बताइए, कब से इस घोड़े को अपने घर रखे हुए हैं? ये घोड़ा हो गया लगभग कितना साल का होगा? साल से ऊपर हो गया। आप एक साल से लाए? हाँ, एक साल से ऊपर हो गया लाए हुए जी। और अभी ये दो दांत का बच्चा है, उम्र में दो दांत। हाँ, उम्र में दो दांत है जी। और इसकी अगर नस्ल की हम बात करें तो ये कहाँ का इसका नस्ल देखा जाए, कौन सी नस्ल है ये? नस्ल भैया ये मिक्स में है जी, जी मारवाड़ी मिक्स में आता है मेरा जी जी बच्चा जी। हाइट लमसम कितना होगा इसका? हाइट 58-59 इंच है। 58-59। चाल में क्या चलता है? चाल में चौताला चलता है। चौताला, फुल चौताला? हाँ, फुल चौताला चलता है। कायम इसकी स्पीड आप कभी नापे हैं कितना है? कायम स्पीड हम लगाए हैं गाड़ी से लगाए हैं 40 जी, 40 के आसपास, 40 के आसपास चलता है। रेस उसमें विजेता बना होगा? रेस में विजेता बना है, गोरखपुर में पहला स्थान मारा है जी, और मऊ में गया था वहाँ भी मारा था पहला स्थान जी, गाजीपुर गया था वहाँ तीसरा स्थान मारा था जी। क्या इस घोड़े को आप सेल करेंगे किसी को, अगर कोई भाई लेना चाहे तो? नहीं नहीं, सेल नहीं करेंगे जी, शौक के लिए रखे हैं। दंगल लड़ेंगे जी? दंगल लड़ेंगे जी। घुड़सवारी आप स्वयं कर लेते हैं पूरा? हाँ, घुड़सवारी कर लेते हैं, चला लेते हैं जी। दंगल में भी आप ही बैठते हैं? नहीं नहीं, हम वही बैठते हैं। चलिए ठीक है। तो दर्शक, आप पूरी तरह से इस घोड़े की जानकारी पा चुके हैं और थोड़ा इधर टहला कर दिखा दीजिए। और इस घोड़े का आप देख रहे हैं कि ऊपर सीट रखा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर का नज़ारा तो नहीं देख सकता, लेकिन आप हाइट का अंदाज़ा आकलन कर सकते हैं। यह घोड़ा शौक बदे अपने घर पर रखे हुए हैं। इस घोड़े से रेस फाइट करेंगे और घोड़ा रेस के काबिल है और कुछ रेसों में अपना यह भाग लेकर विजेता भी बना हुआ है। तो ऐसा ही घोड़ों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक दूसरे में शेयर एंड फॉलो करते रहें। हमारे चैनल के साथ आप सभी दर्शक बने रहें। ये वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा हम दिखाते रहेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।